गाइस आपका स्वागत है मेरे रियल ब्लॉग में। और गाइस हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि इस मकान हम रह रहे हैं गाइस, और अब ये मकान हमें खाली करना पड़ेगा क्योंकि इस मकान के जो मकान वाले हैं उन्होंने फ़ोन किया है और कहा कि हम इस मकान में रहेंगे, आप खाली कर दो। और गाइस एक महीने ही रखना था तो रखा ही रहता, और हमने कहा आपने एक महीने के लिए दिया हमारे लिए मान, या तो आप पहले बोलते थे कि एक महीने के बाद हमें खाली करना पड़ेगा, पर लेकिन हमने दे दी समय ऐसा कुछ नहीं बोला और हमें खाली करना पड़ेगा। और मकान वाले तो भाई मकान है आपको खाली तो करना ही पड़ेगा, और हम दूसरा मकान देख रहे हैं और कल भी गए थे आज भी गए थे और बोल रहे घर जाइए देखने के लिए उनको मिलता है कोई मान। और गाइस इस मकान में जो दिक्कतें थी वो मैंने आपको बताई थी कि सबसे बड़ी समस्या जो पानी की है वो तो है ही, और हमने पानी के लिए फ़ोन किया था कि समस्या भी करा दो हम कराया जो अंदाज वही दे देंगे, लेकिन वो बोले मकान आपको खाली करना पड़ेगा हम आगे रहेंगे। और गाइस हमारा एक महीना होने वाला है, कल हो जाएगा पूरा, फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे इस मकान से। खाना तैयार हो रहा है और तहरी बनेगी, ये आलू कटे हुए टमाटर हैं और गाइस अभी थोड़ी देर बनेगी और कल हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस। कन्हैया जी बना रहे हैं प्लेन, प्लेन बना रहे हो कन्हैया, इधर देखो प्लेन बना रहे हो, बना लोगे हैं कन्हैया, कन्हैया बनाना शुरू हो गए हैं प्लेन। और कन्हैया प्लेन बना रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं प्लेन बनाने में। और कन्हैया का प्लेन तैयार होने वाला है, क्या बना रहे हो यार प्लेन? हम तैयार नहीं हैं, हम बना रहे थे यार अब तक। प्लेन है नाव है प्लेन। और कन्हैया का प्लेन तैयार हो गया है, देख सकते हैं गाइस आप, छोटे बच्चे ने प्लेन बना दिया है, बहुत अच्छा बनाया है प्लेन। गाइस हम रूम देखने जा रहे हैं और इसी कॉलोनी में के आसपास देखेंगे और चलो चलते हैं अब। और नानक सर कॉलोनी में हम देखेंगे फ्लैट, चलते हैं मकान देखने, मकान देखने आए और बताए हमें, चलो चले देखते हैं बात करते हैं। कोई रूम नहीं मिल रहा है ना मकान कोई मिल रहा है, और कन्हैया साथ आए घूमने के लिए क्यों कन्हैया, और भैया खटखटा रहे हैं बैल बजा रहे हैं, कोई अभी तो नहीं निकल गया है, चलो चलते हैं दूसरे मकान में, इस साइड में मकान में कोई निकला है, चलो चलते हैं बात कर रहे हैं देखते हैं कोई मिल जाए किराए के लिए मकान। रेंट पर हमें कोई मकान में नहीं मिला है और बहुत सारे देखे पर कहीं अभी नहीं मिला, और चलो चलते हैं और देखते हैं क्यों रूम तो मिला नहीं, क्या करोगे बताओ, रूम तो मिला नहीं क्यों, कहाँ चले बताओ। हम घर पे आ गए हैं और कोई रूम नहीं मिला गाइस, और बहुत कोशिश करी कि मिल जाए गाइस, लेकिन ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया है, दिन में गए और शाम हो गई गाइस, मिले भी तो सिंगल रूम थे, एक दो सिंगल रूम थे, एक सिंगल रूम था और गाइस सिंगल रूम की जरूरत नहीं थी, मतलब डबल चाहिए था रूम। और गाइस पैदल चलते चलते थक गए, बहुत ढोला नहीं मिला गाइस, पानी पीते हैं अब 5 मिनट रुक के, पानी पियेंगे हम अब। गाइस इसमें गर्म पानी है, ये गर्म पानी है,
गाइस हमने डोरा मकान देखा है, वहाँ थोड़ा अंदर है कॉलोनी में, इसलिए हम सोच रहे थे वहाँ ना जाना पड़े कि आसपास मिल जाए, रोड के साइड मिल जाए, लेकिन कल तक देखते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है और नहीं तो वहीं जाना पड़ेगा उसी में डोरा वाले में। हम ऐसा मकान चाह रहे थे, छोटा मकान होता 150 गज में और ताकि सेपरेट होता, और गाइस मकान मालिक नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है, तभी मकान मालिक रोक टोक ना कर सकें, क्योंकि कभी कभी देर अबेर हो ही जाती है, इसीलिए गाइस लोग रोक टोक बहुत करते हैं मकान वाले। और कन्हैया खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेटे हैं, ओह मुँह सुखा रहे हैं। कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, शर्म लग रही तुम्हें बहुत, हाँ शर्मा गए हैं कान्हा जी, कान्हा जी कूद रहे हैं ये लो, कान्हा जी कूद रहे हैं, कान्हा जी बहुत तेजी से आ गए अंदर रूम में। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।